बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू टू द लेक्चर 19 ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कोर्स। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डन मोस्टली अरिथमेटिक ऑफ साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स। मोस्टली ये चैप्टर जो है ये बाइनरी अरिथमेटिक के ऊपर बेस करता है, लेकिन इसमें जो हमने एडिशंस की हैं वो ये है कि इसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन लेवल देखा है कि हम बाइनरी अरिथमेटिक को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ना सिर्फ हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी है बल्कि हमने उसमें इम्प्लीमेंटेशन की वेरिएशंस भी देखी हैं कि हम इनको किस तरह से जो परफॉर्मेंस है अरिथमेटिक की इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए वी नॉर्मली यूज़ फास्ट एल्गोरिदम्स, जैसे कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में वी आल्सो हैड सम जो एल्गोरिदम्स थी उनमें थोड़ी वेरिएशन करके वी चेंज कि हम जो जैसे लुक अहेड हमने कैरी लुक अहेड एडिशन की थी या सब्ट्रैक्शन की थी उसमें हमने ये देखा था कि जो कैरी है दैट इज़ द मेन पॉइंट जो कि प्रोसेस को स्लो डाउन करता है कि वी विल हैव टू वेट ऑफ द कैरी। तो हमने कैरी के जनरेशन फंक्शन से स्टार्ट किया और उसको हमने सेपरेट किया इनटू जनरेट एंड प्रोपेगेट फंक्शंस और उसको हमने ट्रांसलेट कर लिया बेस्ड ऑन इनपुट और हर जो स्टेज है उसकी कैरी को वी वर एबल टू प्रिडिक्ट बेस्ड ऑन इनिशियल इनपुट्स। दैट मेड आवर ऑपरेशन अ लिटिल बिट पैरेलल, जिससे कि हमें ऐसी एडवांटेज मिल गया कि जो एल्गोरिदम्स थी दे बिकेम फास्टर और हम वी वर एबल टू हैव सम गेन, रादर लॉट ऑफ गेन, के इनिशियली जो हमारा एडिशन का प्रोसेस था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन द विड्थ ऑफ द नंबर, यानी जितनी नंबर ऑफ बिट्स उसके अंदर शामिल है। लेकिन इस कैरी लुक अहेड एडर से हमें ये एडवांटेज मिला कि दैट बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ बिट्स और हमें फोर गेट डिलेज में वी वर एबल टू फाइंड द सम और डिफरेंस, जो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने इसको जाना था कि किस तरह से हम सम और डिफरेंस को कंबाइन करते हैं। देन वी वेंट अप टू द मल्टीप्लिकेशन, हमने अनसाइंड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन देखी, दैट वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट जब हमने साइंड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को देखा तो उसमें वी हैड सम प्रॉब्लम्स कि हम उसको अगर टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में रख के मल्टीप्लाई करते हैं और उसको सिंपली ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वी डोंट गेट प्रॉपर आंसर, हमें जो आंसर है उसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो उसमें आंसर जो है वो गलत मिलता है। बट इन केस जहाँ पे कि हमें साइंड के केस में फिर हमने ये देखा कि जो उसकी वैल्यूज़ हैं, जो साइन बिट की वैल्यू है उसको हम प्रोपेगेट करते रहे टिल द एंड और उसके बाद जो हमने एडिशंस की दे गेव अस करेक्ट रिजल्ट्स। और उसके बाद उसमें भी हमने देखा कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन मल्टीप्लाइंग बिट्स एंड देन इट टेक्स टाइम इन जो हम कहते हैं कि टेकिंग सबमिशन ऑफ दोज पार्शियल प्रोडक्ट्स, यानी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट अ पार्शियल प्रोडक्ट और पार्शियल प्रोडक्ट्स को हम ऐड करते हैं तो फाइनली वी गेट आंसर्स। तो सिंपल पार्शियल प्रोडक्ट्स और उसको एडिशन को लेने की बजाय वी सॉ इट एज द शिफ्ट ऑपरेशन कि हम जो पार्शियल प्रोडक्ट है उसको राइट शिफ्ट कर देते हैं एंड एड इट टू द मल्टीप्लिकेंड इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग मल्टीप्लिकेंड टू द लेफ्ट एंड एडिंग इट टू द पार्शियल प्रोडक्ट्स। तो दिस वॉज समथिंग जो कि हमने ऑलरेडी किया।
बट वी ट्राई टू मेड द प्रोसेस इवन मोर फास्टर, और उस प्रोसेस के दौरान वी सा के हमने एक और एल्गोरिदम यूज़ की विच वॉज कॉल्ड बूथ एल्गोरिदम. बूथ एल्गोरिदम से हम आज दोबारा रिविजिट करते हुए उसको आगे चलेंगे ताकि हम मल्टीप्लिकेशन की फास्ट एल्गोरिदम्स को देख सकें कि उसमें हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. तो आवर टुडेज एजेंडा इज मेनली बेस्ड ऑन टुडे मेनली इज द फास्ट मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम बूथ्स एल्गोरिदम को रिविजिट करेंगे और फास्ट एल्गोरिदम जो कि बेस्ड ऑन बेसिकली बूथ्स एल्गोरिदम है इसी पे इसी के ऊपर हम इसी को लेके आगे चलेंगे, उसको देखेंगे कि वो किस तरह से काम करती है. बूथ्स एल्गोरिदम, जनरली इन द बूथ्स एल्गोरिदम माइनस वन टाइम्स द शिफ्टेड मल्टीप्लिकेंड इज सिलेक्टेड व्हेन मूविंग फ्रॉम जीरो टू वन एंड प्लस वन टाइम्स द शिफ्टेड मल्टीप्लिकेंड इज सिलेक्टेड व्हेन मूविंग फ्रॉम वन टू जीरो एज द मल्टीप्लायर इज स्कैंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. यानी अगर ये हमारे पास इफ वी हैव दिस मल्टीप्लिकेंड, अगर ये मल्टीप्लिकेंड है हमारे पास तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजिशन और हम देखते जाएंगे कि हमने किस तरह से इसको पॉजिटिव वन के साथ लेफ्ट शिफ्ट करना है या नेगेटिव वन के साथ इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है. सो जीरो जीरो एंड देन वी हैव जीरो वन. तो यहां पे हम नेगेटिव जीरो से वन पे वी आर डूइंग इट टू नेगेटिव वन. और फिर वन से वन, बट वन टू जीरो वी विल शिफ्ट राइट एंड देन जीरो. We will shift right and then we will take it, make it positive. फिर जीरो से वन आएगा तो नेगेटिव करेंगे. You can see कि जीरो से जीरो पे we are just shifting. जीरो से जीरो पे we are just doing nothing like जैसे, but जब जीरो से वन पे हम जा रहे हैं तो we shift it left. वन से वन पे we again shift it. One से zero पे it's plus one, we shift it. One से zero से one पे फिर minus one and so forth we will get the और जब हम सारे partial products को add करेंगे we will get the multiplication result. This gives us the sense कि हमने basically करना क्या है कि इफ वी हैव आई माइनस वंथ जो बिट है दैट इज जीरो और आईथ बिट भी जीरो है तो वी विल बी जस्ट डूइंग जीरो मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लिकेंड. जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे यानी सारी की सारी रो जो है वो जीरो हो जाएगी. इफ आई माइनस वंथ बिट इज माइनस इज वन एंड आईथ बिट इज जीरो तो हम उसको पॉजिटिव वन से मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे. If we are moving from 0 to 1, तो minus 1 से multiply करेंगे और left shift करेंगे और 1 1 के case में we will just do the same 0 से 1. This all came from the position के जहाँ पे हमने ये देखा था कि if you remember we wrote this expression 32 हमने लिखा था 30 वाज रिटन एज 32 माइनस 2. यानी बेसिकली 30 जो था दैट हैड 0 1 1 1 एंड 0. दिस इज 2 4 8 एंड वी विल हैव अनदर वन ओवर हियर 16 16 प्लस 14 we will have this. इसमें एक large block of ones आ रहा है तो that can be written as 10000 and it was 00010.
सो दिस इज जब हमने हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो वी गेट दिस सिचुएशन कि मल्टीपल जो इकट्ठे वंस आ रहे होते हैं दे बेसिकली अपीयर सिमिलरली जैसे कि जीरोज अपीयर होते हैं. इसी वजह से इट्स द सेम थिंग जैसे कि हमने जीरो के लिए इसको किया है. तो वी बेसिकली ड्रोव दिस टेबल फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कन्वर्जेंस. सो दैट इज व्हाट द बूथ रिकोडिंग टेबल इज विच बेसिकली टेल्स अस कि अगर तो देर आर मच मोर जीरोज एंड वंस आर देयर तो वी विल बी गेटिंग ए लॉट ऑफ स्विचिंग प्लस वन माइनस वन दोनों से हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे. बट इफ वी हैव लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ वंस तो वी हैव मैनी पोजिशंस जहाँ पे कि हमें जीरोज मिल जाएंगे. वी विल हैव टू डू नथिंग बेसिकली जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे. और एक गुड मल्टीप्लायर जो होगा उसके अंदर वी विल हैव लॉट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ वंस. दीज स्ट्रिंग्स जो हैं ये हमें इम्प्रूवमेंट देती जाएंगी इन मल्टीप्लीकेशन. यानी हमने मल्टीप्लाई सिर्फ उस वक्त करना है जब हम जीरो से वन पे जा रहे हैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, या जब वन से जीरो करना है तब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हम प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे. बेसिकली जो माइनस वन और प्लस वन से मल्टीप्लीकेशन है दैट इज जस्ट शिफ्ट ऑपरेशन. लेट्स सी के शिफ्ट ऑपरेशन बेसिकली करता क्या है. हमने शिफ्ट ऑपरेशन को यूज़ किया है. वट एक्चुअली वी गेट फ्राम द शिफ्ट ऑपरेशन. लेट्स से कि हमारे पास एक नंबर है. वी हैव दिस नंबर 3. हमें पता है कि अगर हम इसकी बाइनरी वैल्यू लिखेंगे तो दैट विल बी 1 1. हमें पता है कि हम जब इसकी बाइनरी वैल्यू लिखेंगे तो वी विल गेट 1 1, जो कि 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है इन बाइनरी और 3 जो है वो डेसिमल में है. अगर मैं कहता हूं कि आई शिफ्ट इट लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये है कि इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये थी, उसके बाद दिस वाज प्लस वन प्लस टू एंड सो ऑन. दिस विल गिव मी के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आई विल मूव टुवर्ड्स राइट और ऑब्वियसली सब्सिक्वेंटली दिस विल आल्सो शिफ्ट टू द लेफ्ट. तो मेरे पास सिचुएशन जो बनेगी दैट विल बी लाइक दिस. अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इनटू द डेसिमल तो व्हाट डू आई गेट. बेसिकली इट्स 0 प्लस 2 प्लस 4 विच इज 6. सो डज इट मीन के 3 जो है वो दैट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड वी आर getting the result of multiplication by 2. Let's verify it by a couple of another examples. Let's say I have this a little bit bigger number. This is 1010. This is 10 decimal aur isko hum binary kehte hain. Agar main isko left shift करता हूं तो आई विल हैव 1010. अब अगर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू 0 प्लस 0 इनटू 2 प्लस 1 इनटू 4 यानी 2 रेस्ट पावर 2 प्लस 0 इनटू 8 प्लस 1 into 16.
टू रेस्ट पावर फोर, ये टू रेस्ट पावर जीरो का वेट है, यहाँ पे टू रेस्ट पावर वन का वेट है, टू थ्री फोर. तो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. तो दिस विल, दिस इन डेसिमल इज इक्वल टू 16 प्लस जीरो प्लस फोर प्लस जीरो प्लस जीरो विच इज इक्वल टू 20. So it's again 10 multiplied by 2. So इसका मतलब है कि जब भी मैं एक लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन कर रहा हूं, आई एम गेटिंग मल्टीप्लीकेशन बाई. लेट्स सी कि अगर इसका कन्वर्स जो है, यानी अगर हम राइट शिफ्ट ऑपरेशन करते हैं, राइट शिफ्ट ऑपरेशन करते हैं, तो क्या हमें उलट रिजल्ट मिलता है? ऑब्वियसली येस, बट इन सम केसेस वी कैन हैव अ वेरी वेरिंग आंसर. लेट्स से यही हम 110 विच वाज एक्चुअली 6, इसको हम राइट शिफ्ट करते हैं तो वी विल हैव इट 11, और ये जीरो जो है दैट विल बी डिस्कार्डेड. जब हमने जीरो को डिस्कार्ड कर दिया और वी आर लेफ्ट विद 11, तो इसका मतलब है कि दैट, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो दैट इज इक्वल टू 3, विच मीन्स के राइट शिफ्ट करने से वी आर डिवाइडिंग बाय 2. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. आई टेक दिस एज 1111, विच इज 15 in decimal, decimal. अब अगर यहां पे मैं एक राइट शिफ्ट ऑपरेशन करता हूं तो आई विल गेट 111, और ये जो बिट है दैट विल बी डिस्कार्डेड. ठीक है, तो इफ आई कन्वर्ट इट, तो दैट विल बी 1 plus 2 plus 4, which will be equal to 7. So this is also a division by 2, but इस तरह की division को हम आगे चल के भी देखेंगे. It will be integer division. आपने भी शायद इसको use किया हो in your programming भी और otherwise भी. Integer division means के अभी हमने चूंकि fractions की बात नहीं की है, जब तक हम फ्रैक्शंस की बात नहीं करते तब तक वी थिंक कि हमारे पास इससे, इंटीजर से छोटी वैल्यू कोई नहीं है, और इंटीजर इज द स्मॉलेस्ट थिंग दैट वी कैन राइट आर रिप्रेजेंट. तो ये इंटीजर डिवीजन ही करेगा, तो ये इस तरह से वी आर गेटिंग इंटीजर डिवीजन. बट दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन प्रॉपर डिवीजन एज वेल, कि अगर हमारे पास कैरी बचता है, वी कैन, इफ इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग दिस, वी कैन शिफ्ट इट टू द कैरी बिट. हम वी कैन बेस्ड ऑन के वट इज इन कैरी, यानी अगर जीरो होगा तो वी विल हैव एग्जैक्ट आंसर, अगर इसके अंदर वन है तो इट मीन्स के द आंसर शुड हैव बीन 7.5. और अगर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंटेशन की कोई कैपेबिलिटी है, तो विच वी विल सी बेसिकली इन कपल ऑफ लेक्चर्स फ्रॉम नाउ, के फ्लोटिंग पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन मे बी वी शुड बी एबल टू स्टार्ट इट इन टुवर्ड द एंड ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर. तो ये बेसिकली दैट विल डिवाइड इट बाई 2. सो इन द प्रीवियसली बेसिकली वट वी आर डूइंग, कि जब हम एक्चुअली 0 से 1 और 1 से 0 की ट्रांजिशंस कर रहे हैं, तो इसेंशली इस केस में, मल्टीप्लीकेशन के केस में, तो हम उसको लेफ्ट शिफ्ट ही कर रहे हैं, कि वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2. लेकिन इस केस में वी आर डूइंग इट, कि हम शिफ्ट करके उसके बाद
उसका टूज कम्प्लीमेंट ले लेते हैं या टूज कम्प्लीमेंट लेके शिफ्ट करते हैं, दैट डजेंट मैटर. वो भी बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. व्हाट डू आई मीन कि अगर ये 4-bit रिप्रेजेंटेशन है टूज कम्प्लीमेंट की, 0100 दिस इज आवर साइन बिट. और मैं ये करता हूं कि इसको लेफ्ट शिफ्ट करता हूं, तो इसका मतलब तो ये होगा कि ये ओवरफ्लो हो जाएगा यहां पे. सो वी नीड टू हैव अनदर बिट जो कि लेट्स से इट्स लाइक दिस. दिस इज द सिचुएशन कि अगर ये नंबर है, इसको हम अगर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वी विल गेट जीरो. इसको अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वी विल हैव अ 0 1 1 और 0 और 0. ठीक है, दिस वाज एक्चुअली 6 और दिस वाज एक्चुअली 12. यानी 6 को हमने लेफ्ट शिफ्ट किया तो वी गॉट 12. अगर हम इसको अब टूज कम्प्लीमेंट की फॉर्म में देखते हैं, इस इफ वी टेक टूज कम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, तो व्हाट वी विल हैव यानी टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में वी स्टार्ट फ्रॉम राइट और वी कीप ऑन राइटिंग टिल वी गेट द फर्स्ट वन एंड देन वी स्टार्ट इन्वर्टिंग. दिस इज व्हाट इज अ शिफ्टेड वर्जन ऑफ दिस टूज कम्प्लीमेंट ऑफ द शिफ्टेड वर्जन. अब अगर हम इसका पहले टूज कम्प्लीमेंट लें तो क्या होगा, इट विल बी इसी तरह से हम मूव करेंगे और वी विल राइट, मैं यहाँ लिखता हूँ, वी विल राइट 0 1 उसी तरह से एंड देन वी विल स्टार्ट इन्वर्टिंग 0 1 एंड 1. अब अगर हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो यू नो इट विल बी 0 0 1 0 एंड 1 विच इज़ द सेम आंसर. सो इट इज़ नॉट मैटर ऑफ कन्फ्यूजन कि हम इसको पहले शिफ्ट करें और उसके बाद टूज कम्प्लीमेंट लें या शिफ्ट करने के बाद टूज कम्प्लीमेंट, आई एम सॉरी. सो इट डज़ नॉट मैटर कि हम इसको पहले शिफ्ट करके और उसके बाद टूज कम्प्लीमेंट लें या टूज कम्प्लीमेंट लेके उसके बाद शिफ्ट करें, वी गेट द सेम आंसर. सो इसका मतलब है कि शिफ्ट और टूज कम्प्लीमेंट ऑपरेशन जो हैं दे विल बी कम्यूटेटिव. माइंड इट के हमारे पास साइन बिट के लिए जगह होनी चाहिए. इफ़ आवर मैग्नीट्यूड बिट जो है दैट टेक्स द पार्ट ऑफ साइन बिट और दैट मे काज समटाइम्स ओवरफ्लो जिसे हम कहते हैं. यानी अगर हमारे पास रेंज जो है वो 32 5 बिट्स में, वी कैन रिप्रेजेंट हाईएस्ट नंबर जो होगा वो 15 होगा. तो अगर हम 5 बिट के अंदर एक वैल्यू उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, कुछ ऐसी वैल्यू जो कि ऑलरेडी इट्स लार्जर, यानी 15 या 14 की वैल्यू जो है उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वी विल बी गेट रॉन्ग आंसर्स. तो उसकी वजह ये होगी कि ओवरफ्लो हैज़ अकर्ड. सो दैट वाज बेसिकली ऑपरेशन, शिफ्ट ऑपरेशन. कि शिफ्ट ऑपरेशन हम क्यों करते हैं, शिफ्ट ऑपरेशन इज़ बेसिकली मल्टीप्लाइंग समथिंग बाय 2 और विच इज़ जो 1 0s की सीक्वेंस हैं उनमें हमें वी नॉर्मली एनकाउंटर दोज थिंग्स. अ फूड ऑफ थाट विल बी फॉर यू कि अगर डेसिमल ऑपरेशन में हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं इसी तरीके से डेसिमल नंबर्स के सिस्टम के लिए, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई वाट, दैट इज़ अ क्वेश्चन जो कि आई विल जस्ट लीव इट फॉर यू कि आप इसके ऊपर सोचें एंड यू शुड बी एबल टू आंसर इफ यू थिंक इट लिटल बिट. बेसिकली वट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू find out the ways of faster multiplication. हमने ये देखा कि जब हम 0 और 1 को 0 से 1 की ट्रांजिशन करते हैं तो हम -1
करते हैं, माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर वन से जीरो की, हमने ये देखा है कि अगर हम जीरो से वन की तरफ ट्रांजिशन करते हैं तो वी मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, यानी हम माइनस वन का मतलब है कि उसको हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट, और जो साइन बिट है वो दैट विल बी वन, और उसको एक्सटेंड कर देते हैं टिल द पॉइंट वेयर वी आर एडिंग द लास्ट बिट, साइन बिट एक्सटेंशन जिसे हम कह रहे थे, और उसके बाद अगर हम वन से जीरो की ट्रांजिशंस कर रहे हैं तो वी विल अगेन शिफ्ट इट, बट वी डोंट नीड साइन बिट एक्सटेंशन, और वी कैन पुट जीरो साइन बिट एक्सटेंशन फॉर द जनरल केस, हम उसको करते रहेंगे ताकि फॉर बीइंग कंसिस्टेंट, बट इफ वी डोंट राइट जीरोज इट मीन्स के दे आर देयर, यानी लेफ्ट साइड पे किसी चीज के जीरो अगर किसी नंबर के लिखा हुआ है तो इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस. तो कैन वी बेसिकली डू अ वे जिसमें हम ज्यादा ग्रुप ऑफ बिट्स को देख सकें? तो इसमें बेसिकली हम एक टेक्निक जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन बूथ्स एल्गोरिदम. इट इज सेइंग बिट पेयर रिकोडिंग, हमने पहले भी बिट पेयर रिकोडिंग की है, बिट पेयर कोडिंग उसे कह लें कि हमने की है, कि 0-1 और 1-0 को हमने माइनस वन और प्लस वन से मल्टीप्लीकेशन तसव्वुर कर लिया. बट कैन वी एक्सटेंड दिस वैल्यू, तो यहाँ पे हम थ्री बिट्स के ग्रुप में देखते हैं. तो डज इट गिव अस सम एडवांटेज इन मल्टीप्लीकेशंस, या रिड्यूस कर सकते हैं हम कोई सम ऑपरेशन, समेशन ऑपरेशन या मल्टीप्लीकेशन? तो बेसिकली व्हाट वी डू इज के वी टेक अ ग्रुप ऑफ थ्री बिट्स, और उन बिट्स की बेस पे वी कैन हैव द मल्टीप्लीकेशंस, और वी विल बी एबल टू सी कि हम इसको जो समेंड्स हैं, यानी जो पार्शियल प्रोडक्ट्स हैं, उनको जब हमने एमए ऐड करना पड़ता है दैट विल बी रिड्यूस टू हाफ. हम कर क्या रहे हैं बेसिकली कि जीरो से माइनस वन हम इसको दो लेवल्स पे देख रहे हैं, यानी एक्चुअल सीक्वेंस वाज जीरो जीरो वन जीरो वन वन एंड वन, दिस वन इज साइन बिट साइन एक्सटेंशन, राइट. जब हमने जीरो से जीरो पे गए तो वी जस्ट हैड अ जीरो, ठीक है ना, जीरो से जीरो पे गए. जीरो से जब हम वन पे गए तो वी हैड अ नेगेटिव वन, ठीक है. वन से जब हम जीरो पे गए तो वी हैड अ पॉजिटिव वन, और जीरो से फिर वन पे गए तो वी हैड अ नेगेटिव वन, और अगर हम वन से वन पे गए तो वी हैड अ जीरो, वन से वन पे गए तो वी हैड अ जीरो. सो वी सी के हम अब दोबारा से अगर जीरो से माइनस वन पे जा रहे हैं तो इफ वी राइट इट माइनस टू, एंड प्लस वन से माइनस वन पे जाने को वी राइट लाइक माइनस वन, और जीरो से जीरो पे जाने को वी राइट इट लाइक जीरो, तो डू वी गेट राइट आंसर? इसकी बेस पे बेसिकली व्हाट वी डू, फर्स्ट वी क्रिएट अ टेबल के जो हमारे पास सारी कोडिंग वैल्यूज लेता है माइनस टू से प्लस टू तक, यानी मिडल वैल्यूज विल बी माइनस वन जीरो एंड प्लस वन. तो अगर ये चीज है और उसके आंसर को हम वेरीफाई कर सकते हैं तो वी विल बी एबल टू सी इन फ्यू मोमेंट्स कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है दैट विल बिकम अ बिट फास्टर. फर्स्ट वी सी दिस टेबल कि इसमें हम ग्रुप ऑफ थ्री बिट्स देख रहे हैं, यानी इफ वी आर कंपेयरिंग वी आर टेकिंग दीज थ्री बिट्स एंड राइटिंग इट लाइक हियर, एंड देन वी आर हैविंग दीज नेक्स्ट थ्री बिट्स, और उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं. दैट्स वे वी आर ऑपरेटिंग ओवर हियर, यानी
आई माइनस वन बिट जो है मल्टीप्लायर, वो ये वही टेबल समझ लें आप, हमारे पास है, हमने ये एक टेबल और उसमें ऐड, ये एक और रो उसमें कॉलम ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब ऑल जीरोज हैं वी विल अगेन हैव दिस जीरो इनटू एम। जब आई माइनस वन बिट है, यानी हम हमारे पास लाइक इफ वी हैव दिस बी जीरो बी वन बी टू बी थ्री बी फोर एंड बी फाइव लेट्स से, तो उस वक्त इनिशियली वी विल हैव हियर, वी विल बी हियर जीरो पे हम कुछ नहीं करते, वी विल बी हियर जीरो से जीरो पे अगेन वी विल डू नथिंग। जब हम वी विल हैव दिस जीरो जीरो वी विल नॉट हैव, वी विल सी आवर विंडो इन दिस वे, और हम तीनों देखेंगे कि जीरोज हैं तो जीरो एम, अगर ये बिट वन है और बाकी दो बिट्स जीरो हैं तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाई प्लस वन, और अगर इवन और इन दोनों में से कोई एक यानी जीरो हो, अगर ये जीरो है ये वन है ये वन है ये जीरो है तो वी विल बी मल्टीप्लाइंग बाई प्लस वन। और इफ वी हैव दिस जीरो एंड दीज बोथ बिट्स एज वन वन तो हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, और इफ वी हैव दिस सिचुएशन माइनस टू माइनस वन एंड जीरो, दिस इज जस्ट द टेबल जो कि हम वी विल बी लुकिंग अप, और उस टेबल की बेस पे वी विल बी जनरेटिंग आवर मल्टीप्लायर। लेट्स सी एन एग्जाम्पल, और उसकी बेस पे वी विल बी एबल टू सी कि इसका मतलब क्या है। अभी तक हम ज़्यादातर बात जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर रहे थे, वी सी अ कंक्रीट एग्जाम्पल जिसको कि हम करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर। दिस इज 13 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव 6। इसको आप देख लें कि जो प्लस 6 है 5 बिट में दैट विल बी इक्वल टू 00110। तो इसको हम अगर इसका 2's कंप्लीमेंट लेंगे तो दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू, अगर हम इसका 2's कंप्लीमेंट लेंगे तो 01011 विच इज रिटन ओवर हियर, तो वी आर मल्टीप्लाइंग इट बेसिकली विद दिस नंबर। अब हम ये बूथ्स एल्गोरिदम अगर यूज करते हैं यूजिंग बूथ्स एल्गोरिदम, यू नो के दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय बेसिक मेथड क्योंकि मल्टीप्लायर जो है वो नेगेटिव है। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि वी विल हैव टू टेक टूज कंप्लीमेंट ऑफ बोथ द नंबर्स ताकि ये नेगेटिव 13 हो जाए और ये नंबर 6 हो जाए, फिर हम इसको वी विल बी एबल टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन जो बेसिक मेथड है उससे। बट बूथ्स एल्गोरिदम जो है वो हर तरह इनको यूज कर लेती है, इनको सॉल्व कर देती है। तो व्हाट वी हैव इज के 10 तो सॉरी ये 0 से माइनस 1 पे हम जा रहे हैं, यानी ये 01 है ना, 0 से 1 पे जाएंगे तो वी विल इट मींस के वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद माइनस 1। यहां पे हमने क्या किया, पहले 0 लिखा, ये सारी रो जीरो हो गई एंड वी एक्सटेंडेड दिस साइन फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीटनेस, ठीक है ना। साइन एक्सटेंशन की हमें नेगेटिव में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बट सेक ऑफ कम्प्लीटनेस के लिए जैसे मैं पहले बता रहा था कि टुवर्ड्स द एंड वी हैव टू राइट ऑल दोज वैल्यूज ताकि प्लेस होल्डर्स का हमें पता हो कि किस जगह पे क्या चीज़ है। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू इज 1, तो 0 से हम 1 ट्रांजिशन किए तो इसका मतलब है कि दिस विल बी नेगेटिव 1 अकॉर्डिंग टू बूथ्स एल्गोरिदम, ठीक है ना। दिस इज बेसिकली मैंने पहले लिख दिया है बूथ्स एल्गोरिदम, तो दिस इज बेसिकली बूथ्स एल्गोरिदम। तो दिस इज माइनस वन, तो माइनस वन का मतलब है कि हमने इसको यूं लिखना है 1
यानी माइनस वन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले वी मल्टीप्लाई इट विद द प्लस वन, तो इसका मतलब है कि वो सेम वैल्यू मिल जाएगी, एंड देन वी टेक इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट. टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दैट विल, पहला वन तो वैसे ही लिखा जाता है, उसके बाद वैल्यूज जो हैं दे विल बी इन्वर्टेड, ठीक है ना, 001, और उसके बाद यहाँ पे हम साइन एक्सटेंशन डाल देंगे जितनी के हमें ज़रूरत है. ठीक है, ये सारी की सारी साइन एक्सटेंशन जो हैं यहाँ पे आ जाएंगे. देन वी मल्टीप्लाई इट बाई प्लस वन बिकॉज वी आर ट्रांजिटिंग फ्राम प्लस वन टू ज़ीरो. तो ये प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा. प्लस वन से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि वी विल जस्ट राइट दिस रो एज इट इज, और साइन एक्सटेंशन जो है दैट विल बी प्रोवाइडेड. ठीक है जी, नेक्स्ट अगेन आवर ट्रांजिशन इज फ्रॉम जीरो टू वन, विच मीन्स कि दिस मल्टीप्लीकेशन इज बाई मल्टीप्लीकेशन बाई माइनस वन. हमने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया और टूज कम्प्लीमेंट जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे ही यहाँ पे लिख दिया, यानी ये दो वैल्यूज जो हैं दीज आर टूज कम्प्लीमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेंट. मल्ट मैंने लफज यूज किया था मल्टीप्लीकेंट के लिए था, जस्ट शॉर्ट वर्जन के तौर पे. लास्टली वी आर मूविंग फ्राम वन टू वन, तो वन टू वन या जीरो टू जीरो के ऊपर हम जीरोज ही लिखते हैं, तो वी विल राइट अ रो ऑफ जीरोज विद साइन एक्सटेंशन. वी विल परफॉर्म द एडिशन. ये जीरो रहेगा, दिस विल बी वन, दिस इज वन प्लस वन इज जीरो. वी विल हैव वन प्लस वन जो है वो वन जीरो होगा और एक कैरी होगा. ठीक है ना, कैरी को मैं ज़रा यहाँ पे लिख रहा हूँ. दिस विल बी वन प्लस वन और दिस विल अगेन बी जीरो और बट इट विल जनरेट अ कैरी. वन प्लस वन प्लस वन, दिस विल बी थ्री, थ्री इज वन वन, तो वन हम यहाँ पे लिखेंगे और एक और कैरी यहाँ पे जनरेट होगा और आगे प्रोपेगेट करेगा. दिस इज वन प्लस वन प्लस वन, दिस इज अगेन थ्री विच जनरेट्स वन एंड अ कैरी वन. अब इसको हम ऐड करेंगे, वन प्लस वन, दिस विल बी वन जीरो, जीरो को यहाँ लिखेंगे एंड कैरी विल बी रिटर्न ओवर हियर. दिस विल जनरेट वन वन, तीन हो जाएगा थ्री. तो वन प्लस वन जो है दैट इज बेसिकली हमें यहाँ पे वन लिखेंगे एंड वी विल हैव अ कैरी इन द नेक्स्ट स्टेज एज वेल. फिर वन थ्री वंस हो गए, तो थ्री इनको ऐड करने से मिला वन वंस और दैट वी रोट ओवर हियर. यहाँ पे अगेन वी गॉट थ्री वंस, एक कैरी हमें मिला, थ्री वंस मिले और वी हैड वन वन, तो एक हमने कैरी आउट कर दिया. तो ये कंडीशन जो हमारी ओवरफ्लो की थी वो आपको याद होगा कि सिंस कैरी इन इज इक्वल टू कैरी आउट, वन कैरी इन था वन कैरी आउट था, तो देर इज नो ओवरफ्लो. इट मीन्स के दिस इज द फाइनल आंसर जो कि विच शुड बी माइनस 78. जस्ट फॉर वेरिफिकेशन वी कैन वेरीफाई इट यूजिंग वही मेथड. पहले हम जीरो प्लस टू प्लस जीरो प्लस टू, सॉरी जीरो, दो जीरोज हैं एंड टू फोर एट, और इसका मतलब है कि इसके आगे 16 का वेट आएगा, प्लस 32, प्लस वी हैव दिस जीरो जो 64 का होगा, प्लस वी हैव दिस 128, प्लस वी हैव दिस 256 एंड प्लस वी हैव दिस माइनस 512. एंड इफ वी परफॉर्म दिस समेशन वी शुड बी गेटिंग दिस नेगेटिव 78. सो दिस वॉज जो कि बूथ्स एल्गोरिदम के मदद से हमने लास्ट क्लास में सीखा था.
बट हम अगर बूथ्स एल्गोरिदम को एक्सटेंड करते हैं तो हमें क्या सबक मिल रहा था कि इफ वी हैड 0-1 पिछले टेबल से हम देखते हैं कि इफ वी हैव 100 और 10, ठीक है, इफ वी हैव दिस 10 और इधर भी ऑब्वियसली 0 ही होगा तो वी विल राइट अ -2 और उसके बाद इफ वी हैव दिस 10 नेक्स्ट स्टेज में वी आर हैविंग 0, 1, 0 इफ वी यूज दिस बूथ्स दिस टेबल जो मल्टीप्लायर बिट रिकोडिंग टेबल है इसको यूज करते हुए वी री राइट दिस मल्टीप्लीकेशन तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि वी विल सी दिस एज दिस इज द बिट जिसे कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट विल बी टेक रिगार्डेड एज 100 100 जो है दैट मीन्स के वी हैव दिस -2 तो हम यहां पे -2 वी विल राइट अ -2 ओवर हियर नाउ इफ वी आर लुकिंग एट दिस बिट इसके बाद वी विल स्किप दिस बिट एंड वी विल बी यूजिंग दिस बिट विच विल बी दीज 3 बिट्स विच अपेरेंटली लुक्स लाइक के ये दिस इज 0, 1, 1 बट एक्चुअली सिंस दिस नंबर इज नेगेटिव तो हम इसको साइन बिट एक्सटेंशन के तौर पे लेंगे तो दिस विल बी ट्रीटेड एज माइनस एज 111 विच मीन्स के वी हैव दिस 0 कि हमारे पास ये सिचुएशन है सिंस दिस नंबर इज नेगेटिव -6 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी विल हैव अ 1 ओवर हियर इंस्टेड ऑफ 0 इसलिए इट विल बी ट्रीटेड एज 1, 1, 1 विच ट्रांसलेट्स टू मल्टीप्लीकेशन विद 0 अब हम इसको ऑपरेट करेंगे कि किस तरह से हमने ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अब जब हमने 2 लिखा है तो इसका मतलब है कि देयर आर 2 शिफ्ट्स अगर 1 लिखा है तो 1 शिफ्ट अगर 0 लिखा है तो नो शिफ्ट्स और 0 से ही मल्टीप्लीकेशन तो व्हाट वी विल हैव इज के वी हैड दिस नंबर 0, 1, 1, 0, 1 इसको हमने वी शिफ्टेड इट वंस एंड वी गॉट 0, 1, 1 0, 1, 0 तो इसके बाद हम क्या करेंगे जब हम इसको एक दफ़ा शिफ्ट कर देंगे तो और इसके बाद हमने इसका 2's कम्प्लीमेंट लेना है तो दैट विल बी एक्चुअली 0, 1 एंड वी विल हैव 1 देन वी विल हैव कपल ऑफ 0's एंड 1 विच विल बी रिटन एज इट इज ओवर हियर और ये साइन को हम जरूरत के मुताबिक साइन बिट एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देंगे अब चूंकि ये -2 था और हर मर्तबा हमने 2 शिफ्ट्स प्रोवाइड करनी है तो यहां से हम 2 शिफ्ट करेंगे 2 शिफ्ट और फिर -1 से मल्टीप्लीकेशन होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वी विल हैव दिस वैल्यू 1, 0, 1, 1, 0 तो -1 से मल्टीप्लीकेशन का मतलब होगा कि सिंपली इसकी हम 2's कम्प्लीमेंट वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे विच विल बी 1, 1, 0, 0, 1 एंड वी विल प्रोवाइड द साइन एक्सटेंशन टिल द पोजिशन वी नीड और 0 के लिए ऑब्वियसली वी विल राइट अ
0. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द डिफरेंस इज जब माइनस टू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी आर शिफ्टिंग इट एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन. वी शिफ्ट इट लेफ्ट, ठीक है, यानी टू से मल्टीप्लाई किया और टू कंप्लीमेंट ले लिया. इन नेक्स्ट स्टेज हमने जब माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो सिंपली टू कंप्लीमेंट लिया, बट वी स्किप्ड वन रो जो कि हम यहां पे यूज कर रहे थे. ठीक है, इसमें आप देखें कि हम वी आर गेटिंग थ्री रोज ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग दीज 1, 2, 3, 4, 5 रोज ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट्स. तो इनको अगर हम बेसिकली ऐड करते हैं तो वी सी कि वी गेट द सेम आंसर 0, दिस इज 1, दिस इज 1+1 इज 1, 0, सो वी हैव 1 एज कैरी ओवर हियर. 1+1 जो है दिस विल बी 1, 0 और वी विल हैव अ 1 कैरी विच विल मेक दिस 1 और दिस विल बी 1, 1+1 यहाँ पे 1+1 होगा, इसको 1+1 विल बी 1, 0 और वी विल हैव 1 एज कैरी और यहाँ पे अगेन वी विल हैव 3 1s तो 1, 1 होगा. इसका मतलब है कि एक कैरी यहाँ से जनरेट होगी, द सेम सिचुएशन अराइजेज ओवर हियर और एक कैरी यहाँ पे है और एक कैरी यहाँ पे भी हो रही है, बट दिस विल बी डिस्कार्डेड सिंस एट लास्ट बिट द कैरी इन इज इक्वल टू कैरी आउट, सो वी डोंट हैव एन ओवरफ्लो एंड वी कैन सी कि द आंसर जो है वो दैट इज सेम. सो दिस इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, आई विल जस्ट रीविजिट इट, आई विल जस्ट दोबारा से इसको मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने इसको मल्टीप्लीकेशन करनी है तो वी हैव टू सी द टेबल वेरी केयरफुली और टेबल को आफ्टर लुकिंग एट द टेबल हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेंगे विच विल बी -2 से लेके +2 तक दे विल बी एनी वैल्यूज. जब हम +2 से कहीं मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वी विल बी ओनली शिफ्टिंग, वी विल नॉट बी मल्टीप्लाई, वी विल नॉट बी टेकिंग टूज कंप्लीमेंट ऑफ इट. सो दैट्स व्हाट वी बेसिकली बी डूइंग इन मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, कि हमने शिफ्ट किया, जब 2 से हमने शिफ्ट कर मल्टीप्लाई किया करना है तो इसका मतलब है हमने शिफ्ट करना है, शिफ्ट करके 2's कंप्लीमेंट लेते हैं और वी गेट द वैल्यू. जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी विल शिफ्ट इट लेफ्ट और अगर हम -2 से कर रहे हैं तो इसको हम 2's कंप्लीमेंट भी लेंगे. जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी विल जस्ट राइट द मल्टीप्लीकेंड मल्टीप्लाइड बाई -1 विच मीन्स के मल्टीप्लीकेंड को 2's कंप्लीमेंट लेना पड़ेगा और अगर हम +1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो मल्टीप्लीकेंड को एज इट इज रखेंगे, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इट विल बी रिटर्न एज इट इज. बट यहाँ पे थोड़ा सा जो एक पॉइंट टू लर्न था वो ये था कि हमने जब इन 3 बिट्स को कंसिडर किया तो दिस बिट विल नॉट बी 0, दिस विल बी 1 बिकॉज ऑफ साइन एक्सटेंशन, क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है. अगर ये पॉजिटिव नंबर होता तो वी वुड हैव टेकन अ 0 ओवर हियर. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एल्गोरिथम. तो जब हम इनको फिर ऐड करके देखते हैं तो वी गेट द सेम रिजल्ट और इसमें हम देख रहे हैं कि वी हैव एक्चुअली रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ सम एंड्स, यानी हमने सम्स को हाफ कर लिया विच एक्चुअली गिव्स अस अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ जब हम गेट डिलेज बात करेंगे तो हमें कम गेट डिलेज जो है वो यूज़ करना पड़ेंगे. अब दूसरी जो चीज़ हम जिसको यूज़ करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के अंदर मल्टीप्लीकेशन को फास्ट करने के लिए, दिस इज़ कैरी सेव एडिशन ऑफ समंड्स. कैरी सेव एडिशन कैन बी यूज टू स्पीड अप एडिशन ऑफ द सेवरल समंड्स रिक्वायर्ड इन मल्टीप्लीकेशन, यानी हम ये दिस इज जस्ट लाइक कैरी लुक अहेड एडर, बट इसमें द डिफरेंस इज कि जो कैरी है दैट इज प्रोवाइडेड एट द प्रॉपर लोकेशन जहाँ पे कि इसकी ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट एट द सेम प्लेस या उसी हमें कैरी लॉजिक कैरी जो की जो लॉजिक है वो डेवलप करने की बजाय वी प्रोवाइड द कैरी
to the position where it is actually required. This was our ripple carry adder जो कि हमने देखा था कि simple जो addition है वो हम किस तरह से कर रहे होते हैं. उसमें what we do is कि we have a shifted array जो कि a sort of echelon form format में होती है, but it's not completely echelon form, it's diagonal आप उसको ज़्यादा कह सकते हैं. ये this is a full adder which is taking m naught, m zero and q one. बेसिकली दिस इज द सेम थिंग जो कि इफ यू रिमेंबर कि हमने जो मल्टीप्लायर के केस में वी हैड द एंड गेट की जो लॉजिक थी दैट वाज व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर. लेकिन फुल एडर पे वी आर गेटिंग दिस एम जीरो क्यू वन विच इज नॉट एग्जैक्टली द बिट ऑफ बिट सेल ऑफ मल्टीप्लायर क्योंकि इट वॉज प्रोपिगेटिंग इट्स वैल्यूज फ्राम क्यू वन एंड क्यू टू टू द नेक्स्ट लेवल. And then we are generating the carries and the results are being propagated or products ki 0, 1, 2, 3, 4, 5 jo bits hain, they are being generated using a ripple carry array. Yani carry jo hai that is being generated, yahan se carry yahan pe aayi. We can have, then we are having carry from here and then we are having carry. So that is what ke jo carry hai that is propagating. In different mechanisms. But हम कर क्या रहे हैं carry save में instead of you see if you see the difference के जो values हैं instead of जो carries को हमें उसी matrix row में देने के since this carry is reaching over here through this adder, so we can provide this carry to this adder directly. उससे हमें फायदा क्या मिलेगा कि we will be avoiding the gate delays जो इस full adder के अंदर हमें मिलते हैं. That's what we are doing over here. कि इस full adder से जो carry हम इस full adder को दे रहे थे इसको देने की बजाय we are giving this carry to this full adder next row. Okay. And similarly we are doing for the next row next diagonal ये process हम बजाय यूं और यूं चलाने के यानी top to top और left चलाने के एक अगर हमारे पास we are having these matrix values तो instead of हम यहाँ पे आने के लिए we can use this method and we can use this path. So instead of using this path which is having two stops in it, we are having this direct path जो कि हमारे delays को gate delays जो इस जगह पे इसको मिलने थे उनको कम कर रहे हैं. तो कैरी सेव एरे में व्हाट वी डू कि हम बेसिकली जो कैरी है उसको नेक्स्ट लेवल पे जहाँ पे कि एक्चुअली हमने ऐड करना था या नेक्स्ट एडर के अंदर हमने जहाँ पे उसको शामिल होना था उसने बजाय इसके कि हम पहले उसे पार्शियल सम के अंदर ऐड करके फिर दूसरे फुल एडर को दें हम नेक्स्ट फुल एडर को ही दे देते हैं ताकि वी आर अवॉइडिंग द डिलेज यानी जो गेट डिलेज हैं वो उसमें से अवॉइड हो जाए. तो व्हाट विल हैपन कि अगर हम इन दोनों ऑपरेशंस को जो कि अभी हमने डिस्कस किए यानी बूथ्स एल्गोरिदम से जो हमने एक मेथड डिराइव किया कि हम दो शिफ्ट्स भी कर सकते हैं एक ऑपरेशन में माइनस टू से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और प्लस टू से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है कि वी कैन हम रिकोडिंग कर सकते हैं बिट पेयर रिकोडिंग जिसे हम कह रहे हैं दिस विल रिड्यूस द समेंट्स बाय अ फैक्टर ऑफ टू यानी जो समेंट्स हैं जो पार्शियल प्रोडक्ट्स के सम्स बन रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन हाफ हो जाती है
जो एग्जांपल हमने देखी उसमें 5 से 3 पे जा रही थी, बट अगर 6 भी होते तो भी वो 3 पे ही जाती, बट इफ इट विल बी 7 तो इट विल गो टू द 4 वैल्यू. तो इट्स ऑलमोस्ट, अगर आपके पास नंबर बड़ा हो तो 3 और 4 यानी 1 का डिफरेंस इज नॉट मच, तो हम उसको वी कैन कॉल इट के इट इज रिड्यूसिंग बाई हाफ. देन समेंट्स जो हैं दे आर रिड्यूस्ड बाई कैरी सेव मैथड. यानी कैरी सेव मैथड में हम क्या कर रहे हैं, इट्स जस्ट वी आर नॉट गोइंग इन दोज मच डिटेल्स जितनी कि हम शुरू के जो लुका हेडर में गए थे. लेकिन कैरी सेव में जस्ट द मेन कॉन्सेप्ट वी आर डिस्कसिंग, उसमें ये है कि हम कैरी को इंस्टेड ऑफ बींग प्रोपेगेटिंग फ्राम ऑल द गेट्स, हम उसको डायरेक्टली वहां पर पहुंचा देते हैं जहां पर कि फाइनल सम किया जा रहा है. सो दैट बेसिकली डज वट के जो उसके एडिशनल गेट डिलेज हैं दे उनको रिड्यूस करता है और वी गेट फास्ट मल्टीप्लीकेशन. यानी जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट कैन बी जनरेटेड यूजिंग कैरी लुक अहेड एडर, और हम जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उसमें कैरी लुक अहेडर भी यूज कर सकते हैं. समेंट्स को यूज ऐड करने के लिए उसको यूज कर लिया, और फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें वी कैन ऑल्सो यूज कैरी लुक एडर विच इज सिमिलर आर वेरियंट ऑफ कैरी सेव एडिशन. सो दैट्स बेसिकली ऑल अबाउट फास्ट मल्टीप्लीकेशन. समराइजिंग टूडेज लेक्चर, बेसिकली वट वी डिड इज दैट वी सॉ द बूथ्स एल्गोरिदम. उसमें हमने देखा कि अगर हम 0, 0 या 1, 1 से ट्रांजिशन कर रहे होते हैं तो वी मल्टीप्लाई बाई 0. उसकी वजह क्या थी कि जहां पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ वंस हैं उनको हम ब्रेक कर सकते हैं इन 2 नंबर्स विच जनरेट लाइक 1 एट स्टार्ट एंड 1 एट द अदर एंड, और दरमियान में जीरोज की एक स्ट्रिंग आ जाती है जो 30 और 2 की एग्जांपल 30 = 32 - 2 से हमने, जिसमें नंबर ऑफ वंस काफी सारे हम यूज कर रहे थे. तो दैट इज व्हाट वन वे जो कि हमें बूथ्स एल्गोरिदम से मिला. उसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, हमने ग्रुप जो है वो 3 का बना लिया. यानी अगर 3 बिट्स को हम एट ए टाइम देखें तो व्हाट कैन वी डू. हमने उसको जो रिकोडिंग की वी स्टार्टेड इट फ्रॉम -2, -1, 0, +1 एंड +2, और वो रिकोडिंग जो थी दैट इज द टेबल दैट इज प्रोवाइडेड. आप अपनी बुक में भी देख सकेंगे और इस प्रेजेंटेशन में भी वो शामिल है कि किस केस में हमने 0 लिखना है, किस केस में 1 लिखना है, किस केस में -1 लिखना है, किस केस में -2 लिखना है, किस केस में +2 लिखना है. जो उसमें एक की पॉइंट था वो ये था कि हमने मल्टीप्लायर को देखना है जब हमने उसके ऊपर खुद से बिट्स ऐड करनी है. फर्स्ट बिट के केस में वी ऐड जीरोस, बट जब हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे पहुंचते हैं तो इफ इट इज अ पॉजिटिव नंबर तो देन वी विल ऐड जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड, और अगर ये नेगेटिव नंबर है जैसा कि हमारी एग्जांपल में था तो वी विल ऐड वंस साइन बिट एक्सटेंशन के तौर पे विच विल बी ऑन द लेफ्ट साइड विच विल मेक इट नेगेटिव, कि नंबर जो है वो नेगेटिव ही रहे. 0 अगर हम कर देंगे तो नंबर पॉजिटिव बन जाएगा. सो उस करने के बाद वी मल्टीप्लाई इट, अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या +2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी विल शिफ्ट, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड देन वी विल टेक 2's कॉम्प्लीमेंट. अगर हम -1 और +1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली हम उस नंबर को लिखेंगे, अगर -1 है तो 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, अगर +1 है तो उस नंबर को मल्टीप्लीकेंट को एज इट इज लिख देंगे. 0 के केस में ऑब्वियसली वी विल राइट अ रो ऑफ जीरोज. जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वी विल प्रोवाइड अ साइन बिट एक्सटेंशन. दिस विल रिड्यूस आवर समेंड्स टू हाफ एंड देन वी कैन यूज अ टेक्निक जिसको कि हम कैरी सेव मेथड ऑफ एडिशन कह रहे हैं, कैरी सेव CSA, कैरी सेव एडिशन. दिस विल बेसिकली अवॉइड द गेट डिलेज इन द फास्ट एडर्स, और कैरी जो है जो कि कैरी उसके अंदर से प्रोपेगेट होके आएगी, इंस्टेड ऑफ प्रोपेगेटिंग थ्रू फुल एडर इट विल कम डायरेक्टली टू द पोजिशन वेयर इट इज बींग अगेन एडेड.
तो ये भी हमें थोड़ा सा टाइम की बेनिफिट प्रोवाइड कर देती है, और इसके अलावा कैरी लुका हेड एडर्स को यूज करके वी कैन जनरेट द फाइनल प्रोडक्ट. इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द डिवीजन, और डिवीजन के साथ ही विद द डिवीजन वी विल स्विच टूवर्ड्स कि हम फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन वी विल इन द लेक्चर फॉलोइंग द नेक्स्ट वन वी विल बी डिस्कसिंग कि हम किस तरह से जो वैल्यू है उसकी उनको कैसे फ्लोटिंग पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन द नंबर्स. तो अभी वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस अरिथमेटिक चैप्टर, बट लेट्स से we are continuing with the this chapter of arithmetics till the floating point ke operations ko hum dekh lenge, and then we will go to the memories. So it's khuda hafiz from today's class. We will see you in the next class. Allah hafiz.